अब हम देखते हैं मैटर को डिटेल में कि उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंस इम्प्योर, जैसे हमने देखा कि प्योर जो होते हैं उसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड हैं, इम्प्योर में मिक्सचर है। आगे से उसकी भी हम टाइप्स देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज़ मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर। मीन्स मिक्सचर जो होता है जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स होते हैं, मगर ये केमिकली मिक्स नहीं होते, जस्ट फिज़िकली मिक्स होते हैं, इनका मिक्सचर होता है, तो वो मिक्सचर होता है। मीन्स फिज़िकली कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नोन एज मिक्सचर। फिज़िकल कम्बिनेशन, नॉट केमिकल कम्बिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, तीन पेंट्स हैं डिफरेंट। अगर हम उनकी सिर्फ फिज़िकली कम्बिनेशन देख रहे हैं तो हम लोग उनको मिक्स करें, मगर वो सेपरेट सेपरेट नज़र आ रहे हैं, उनका फिज़िकली कम्बिनेशन हुआ हुआ है, तो वो क्या है? मिक्सचर है। फिर एक और बाउल देख लें, उसमें डिफरेंट स्नेक्स हैं, हम सबको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा स्नेक्स है, ये कौन सा स्नेक्स है। एंड देन सेले, थर्ड एग्जांपल में आप देखें, ये मिक्सचर की एग्जांपल है कि हम लोग फिज़िकली अगर किसी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन करें तो देट इज़ नोन एज मिक्सचर। इसमें जो है हर एलिमेंट या हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलेड को देखें तो उसमें ककम्बर ककम्बर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। केबिज केबिज ही रहेगी, टोमेटो का टेस्ट वैसा ही रहेगा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करेगा। और इनको हम सेपरेट भी कर सकेंगे, किसी भी फिज़िकल मेथड से हम इनको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग मिक्सचर की अगर डिटेल देखें तो इसमें होमोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम एंड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस इन विच द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि होमोजीनियस में एयर है, एयर में डिफरेंट गैसेज हैं लेकिन हमें वो क्या लग रही हैं? सेम लग रही हैं, मगर हम उन्हें किसी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह सॉल्ट वाटर, अगर वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है तो हमें वो सेम लगता है, बट हम सॉल्ट को वहाँ से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। शुगर वाटर, ब्रॉस सॉल्यूशंस, ये सब के होमोजीनियस की एग्जांपल हैं। आप ये बीकर्स और बॉटल्स में देख सकते हैं कि ये हमें होमो मीन्स सेम नज़र आ रहे हैं। सेकंड टाइप पे आप आएँ तो हेट्रो, हेट्रो का मीन्स ही होता है डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मीन्स सॉइल है, सॉइल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह सेंड एंड वाटर मिक्सचर, वाटर में अगर आप सेंड डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होती, हमें सेंड और वाटर सेपरेट नज़र आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम बहुत क्लोजली देखें तो मैग्नीफाई कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, चाहे वो सेंड के हैं, अच्छा सॉलिड है, कोई रॉक्स हैं, तो हम लोग उनको सेपरेटली देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये हो गया मिक्सचर।